नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। अति नरसिम्हानंद के विवादित बयान के विरोध में कल बुलंदशहर में जमकर हंगामा हुआ। जुमे की नमाज के बाद सिकंदराबाद इलाके में मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस टीम और रोडवेज बस पर पथराव किया। इस घटना के बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसी क्रम में IG मेरठ सोन घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया है और जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस CCTV फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुटी है। स्थानीय पुलिस, PSC और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस की टीमें शहर में गश्त कर रही हैं। DM SSP ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। SSP ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। SSP और DM के मुताबिक सिकंदराबाद में हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्लोक कुमार SSP बुलंदशहर और CP सिंह जो कि बुलंदशहर के जिलाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। पथराव के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यति नरसिम्हानंद के बयान को लेकर बवाल मच गया। नरसिम्हानंद के बयान से नाराज होकर कुछ लोग गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के बाहर जमा हो गए। हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक हालात काबू में हैं। एहतियात के तौर पर मंदिर के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 4 अक्टूबर को घटना हुई, मंदिर के बाहर हंगामा हुआ और उसके बाद 5 अक्टूबर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद है। डासना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हो हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस बल तथा थानाध्यक्ष VIP City द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था। मंदिर परिसर के आसपास पूरी तरह शांति बनी हुई है। यहाँ पर और अतिरिक्त फोर्स पुलिस बल लगा दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कोई गलत अफवाह न फैलाई जाए। गलत अफवाह फैलाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर गाजियाबाद से। अनिल यादव पर FIR दर्ज हुई है। यति नरसिम्हानंद के शिष्य हैं अनिल यादव। विवादित बयान को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से। इस वक्त की बड़ी खबर, अनिल यादव शिष्य हैं यति नरसिम्हानंद के। मुकदमा दर्ज किया गया है, विवादित बयान को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं विवादित बयान को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है गाजियाबाद से। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। और बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, लाइव हैं अमित राणा हमारे साथ। अमित, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है? पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और क्या अभी तक कोई बयान वहां से सामने नहीं आया है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह का विवादित बयान दिया गया था नरसिम्हानंद द्वारा, उसके बाद से ही लगातार जगह जगह धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। इससे गाजियाबाद भी अछूता नहीं रहा और कल देर रात दासन देवी मंदिर के बाहर ही यही जो जगह है इसी जगह पर कई लोगों की इकट्ठा होने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है मौके पर पुलिस पहुंची और यहां से उन लोगों को यहां से तितर बितर भी किया गया। एहतियात के तौर पर सुबह से ही यहां पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये वही देवी मंदिर है जिसके मठाधीश हैं जो महामंडलेश्वर नरसिम्हानंद, और यहां जितने भी भक्त अभी आने वाले जाने वाले हैं उनकी तमाम यहां चेकिंग की जा रही है। उनके आधार कार्ड देखे जा रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। आपको बताना चाहूंगा विशेष धर्म को लेकर जिस तरीके से उन्होंने एक बयानबाजी की थी उसके ही परिपेक्ष में उनका जो छोटे शिष्य हैं अनिल यादव, जिन्हें की छोटा नरसिम्हानंद भी कहा जाता है, उन्होंने भी उस जो बयानबाजी को उसको समर्थन दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर नरसिम्हानंद की जगह जगह पुतले जाएंगे तो ऐसे में धर्म विशेष के जो गुरु हैं, धर्म विशेष के जो जिन्हें वो आस्था जिनसे जुड़ी हुई है उनके पुतले जलाए जाएंगे। इसी को लेकर अनिल यादव उर्फ छोटा नरसिम्हानंद पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं अगर स्थिति यहां की बताऊं मैं आपको, जिस तरह के हालात यहां देखने को मिले थे उसके बाद से लगातार पुलिस की मुस्तैदी यहां बढ़ाई हुई है। यही कारण भी है कि सुबह से यहां पर स्थिति सामान्य आपको देखने को मिल रही है और यहां पर CP यहां पर बैठे हुए हैं, खुद पुलिस के आला अधिकारी यहां बैठे हुए हैं और जो मंदिर प्रांगण में आने वाले श्रद्धालु हैं वो यहां अभी आ जा रहे हैं।
साथियों से वहां पर जरा बातचीत करिए, स्थानीय जो लोग वहां पर हैं उनसे भी जरा बातचीत करने की आप कोशिश करिए, किस तरीके के हालात है और क्या इनपुट्स पुलिस को आज को लेकर मिले हैं। श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनसे भी जान लेते हैं और बात कर लेते हैं, कब से आ रहे हैं आप मंदिर में? सर हमें कई साल हो गए आते हैं। अच्छा, तो यहाँ किस तरीके से मंदिर में एंट्री की जाती है? एंट्री मतलब यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह देख कर तभी एंट्री होती है। अच्छा जी, और राज्य स्तरीय का माहौल यहाँ बनना था, अब स्थिति सामान्य लग रही है आपको? रात मालूम, सुबह मालूम हुआ तो तब आए मंदिर में। बाकी अब तो ठीक लग रहा है? पुलिस की तो ठीक लग रहा है सर, प्रशासन है सब देख रहा है इस चीज को। आपसे जानना चाहूंगा, आप कब से आ रहे हैं, क्या नाम आपका? मैं तो, मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। तो आप भी यहाँ आते हैं मंदिर में? हाँ, मैं उनके साथ ही आता हूँ जी जी, मैं नया ही जुड़ा हूँ। तो मतलब अब जो एंट्री हो रही है वो आधार वाधार देख रहे हैं? आधार कार्ड देख कर जी बिल्कुल। आपको तस्वीरें अनुपम दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ एंट्री की जा रही है। अगर मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि जो यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं उनकी यहाँ पर एंट्री की जा रही है, उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, कुछ श्रद्धालु मेरे साथ हैं। आप मंदिर में दर्शन कर रहे हैं? जी जी करें। जी जी, यहाँ जब आपने एंट्री की तो किस तरीके से आपकी एंट्री हुई? एंट्री आधार कार्ड से होती है यहाँ पे जी, चेकिंग होती है आधार कार्ड से, एंट्री होती है जी। लेकिन जिस तरह का माहौल रात देखने को मिला था, हालांकि अभी स्थिति सामान्य है, क्या लग रहा था? रात माहौल काफी खराब था, हम लोग मौजूद थे यहाँ पे 1 बजे, में पड़ोस में रहता हूँ, घर से कहीं नहीं आया हूँ। माहौल काफी खराब था रात का, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बहुत सपोर्ट करा और बहुत दूर तक उन्हें खदेड़ के ले गए। अनुपम, एडिशनल सीपी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, बात करने की कोशिश कर लेते हैं उनसे। मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि हालांकि अब तो स्थिति सामान्य है, यहाँ पर लाइव है अभी फिलहाल आप मेरे साथ, जिस तरह की यहाँ एक वीडियो हो रही थी, हालांकि पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाई और भाई तारा से पुलिस बल भी तैनात किया गया, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो वायरल वीडियो कर रहे हैं या उपद्रवी लोग हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की बात? पूरी तरीके से पुलिस सजग है, सतर्क है और सभी चीजें कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही हैं जी। और जो भी लॉ एंड ऑर्डर के इशू को बिगाड़ना चाहेगा उसके साथ पुलिस और प्रशासन सख्त कार्यवाही करेगी। नसीमानंद पे तो पहले ही FIR दर्ज हो चुकी थी, लेकिन उनके ही समर्थन में अनिल यादव आए थे, तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई अभी मैंने देखा। जो भी चीजें हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से नियमानुसार कार्यवाही। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अमित राणा गाजियाबाद में ग्राउंड जीरो पर हैं, जो वहां से लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है। गाजियाबाद के डासना मंदिर में रामलीला मंचन के दौरान पुलिस ने 3 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक अपनी असली पहचान छुपाकर रामलीला में अलग अलग किरदार निभाया करते थे और हिंदू नाम से फर्जी आधार कार्ड से रह रहे थे। 2 आरोपियों के पास से हिंदू नाम के आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। 3 आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया गया है जब वो अपनी असली पहचान छुपाकर डासना के देवी मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। थाना वेव सिटी पर मुस्लिम समुदाय के 3 व्यक्तियों पर हिंदू नाम बताकर व हिंदू आधार कार्ड दिखाकर मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने के प्रयास के संबंध में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से 2 पुलिस टीमों का गठन किया गया एवं थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण राहुल पुत्र निरंजन, वजीर खां पुत्र वली मोहम्मद एवं नानक पुत्र रंजीत को हिरासत में ले लिया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मिर्जापुर में नवरात्र मेले के दौरान SHO विंध्याचल की मनमानी देखने को मिली। आरोप के मुताबिक SHO ने गरीब महिला की दुकान को जबरन बंद करवाकर उसके दुकान के सामने पुलिस कैंप लगवाया। इतना ही नहीं, पुलिस कैंप का बिजली कनेक्शन गरीब महिला के घर के मीटर से जोड़ा गया। पुलिस की दबंगई से परेशान विधायक रत्नाकर मिश्रा से गुहार लगाई। मौके पर पहुंचे विधायक कैंप देखकर भड़के। विधायक की आपत्ति के बाद कैंप को हटाया गया। आगे बढ़ते हैं, खबर सहारनपुर से है। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग और SDM देवबंद ने पनीर की फैक्ट्री पर छापा मारा और 8 क्विंटल नकली पनीर को नष्ट कराया। वहीं सैंपल लेकर लैब भी भेजा गया है। लगातार मिलावट की शिकायत मिल रही थी, इसके बाद प्रशासन की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। दुकानों पे हम और SDM साहब निरीक्षण कर रहे थे तो उसी समय एक तत्काल इनपुट मिला कि एक फैक्ट्री में कुछ अनियमितता बरती जा रही है पनीर की। तो हम लोग यहाँ टीम के साथ पहुंचे और यहाँ पर आके देखा कि पनीर में रिफाइंड का इस्तेमाल हो रहा था। तो हमारी टीम ने नियमानुसार सैंपलिंग की कार्रवाई की है,
और लगभग 8 क्विंटल पनीर नष्ट कराया गया। खबर झांसी से है। गांव में मामूली विवाद में दबंगों ने एक लड़के की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद फावड़े से हमला किया गया जिससे लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला बूढ़ा भोजला गांव का है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस वालों पर मुकदमा नहीं दर्ज करने का आरोप है। लखीमपुर खीरी में इलाज के दौरान नाबालिग रेप पीड़िता की मौत हो गई। मौत से नाराज लोगों ने जिलाधिकारी आवास का घेराव किया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस लोगों को समझाने में जुटी है। आरोप है कि बीते 20 सितंबर को घर में सामान लेने गई 14 साल की लड़की से एक लड़के ने दरिंदगी की थी। लड़की को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे लखनऊ रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई। वहीं परिजन का आरोप है कि 20 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ सब जानकारी हम लोगन की भाई है, यहाँ डरी गई कही थी हम कहने पहले बताया तू भी क्या सब माम मैंने पापा बहुत मरी है हमारी गलती ना ये तो हम कहने तुम बताया हम क्या तो बुलाई करती हम सुनता लही के चलते कही थी अम्मा एक ही बदी रोवाई लगी कही थी अम्मा एक ही बदी नोएडा पुलिस ने एयरलाइंस क्रू मेंबर की हत्या में शामिल संजीत मान को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने नोएडा में बोटिनिकल बस अड्डे से दबोचा है। संजीत इस हत्याकांड में 11वां आरोपी है। पुलिस अब उसकी संपत्ति कुर्क कराएगी। बता दें कि 19 जनवरी को दिनदहाड़े क्रू मेंबर की हत्या हुई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 3 शूटर गैंगस्टर कपिल मान की पत्नी काजल खत्री सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। खबर हापुड़ से है, जहां पर शराब के नशे में एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी डीलर के सिर पर ईंट मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव शाहपुर जट की यह वारदात है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर विपिन शर्मा का अपने पड़ोसी से मामूली कहासुनी हो गई थी। इसके बाद उसने अपनी छत से इस वारदात को अंजाम दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वृंदावन में आईटीआई कॉलेज के सामने अवैध गोविंदा कॉलोनी में ध्वस्तीकरण अभियान को पहुंची अथॉरिटी की टीम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इसके चलते अथॉरिटी के अधिकारियों को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को बीच में रोकना पड़ा। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि अथॉरिटी ने कोई नोटिस नहीं दिया था। कोर्ट के आदेश पर अथॉरिटी की टीम बुलडोजर एक्शन करने पहुंची थी, लेकिन लोगों के विरोध के चलते प्लॉट 4 निर्माणाधीन भवनों की बाउंड्री वॉल को तोड़कर खानापूर्ति की गई। सर आप पे आरोप लगाए बिना नोटिस दिए आपने मकान तोड़े हैं, क्या कहेंगे सर? कोर्ट पूरा मकान टूटे कितने देर बाद आएंगे? क्या केवल खानापूर्ति के लिए आए थे क्या सर? सर यही नियम था क्या? खानापूर्ति का नियम था सर, बिना नक्शे के तो खिलाफ कर रहे हैं।